सो हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी जो मेरे यहाँ पे भी जूनियर यूनिवर्सिटी में भी है और अदर यूनिवर्सिटी के भी हैं, कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं, तो उनका सबसे बड़ा जैसे यूजी कंप्लीट लास्ट ईयर में है या यूजी कंप्लीट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उनके आगे है कि वो मास्टर में एडमिशन ले या बीएड में एडमिशन ले या प्रिपरेशन करें, या पीजी के जो स्टूडेंट हैं वो बीएड की तरफ जाएं या प्रिपरेशन की तरफ जाएं या पीएचडी की तरफ जाएं। तो आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएससी वर्सेस बीएड वर्सेस पीएचडी, क्या हमको बेनिफिट मिलने वाला है पीजी करके या बीएड करके या पीएचडी करके। तो ये मेरे पर्सनल भी हुआ और 2 साल या 3 साल का जो भी एक्सपीरियंस है मैं उसको आपके सामने डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये जो इसमें डिस्कशन है वो बुरा भी लग सकता है, बट जो फैक्ट है मैं उसको डिस्कस करूँगा। बुरा लग रहा है तो पर्सनल आप मत उसको लीजिएगा, आपका हो सकता है अलग ही आपका एम हो या टारगेट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिस्कस करें कि मान लीजिए आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आपको बीएड की तरफ जाना चाहिए या मास्टर की तरफ जाना चाहिए, एमएससी के लिए जाना चाहिए, तो देखो रियलिटी ये है, प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन है, चाहे आप मास्टर कर लो, एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो, बट जॉब की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। आप बीटेक स्टूडेंट को देख रहे हैं टेक्निकल, चाहे एमबीबीएस स्टूडेंट को देख रहे हैं या जो भी टेक्निकल डिग्रियाँ हैं उनके भी स्टूडेंट रोड पे घूम रहे हैं, सिचुएशन ये है प्रेजेंट टाइम पे कि प्रेजेंट। और जो हमारे मास्टर की यूनिवर्सिटी, चाहे वो चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, चाहे आप IRIs पढ़ तो भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मेरे भी 3 ईयर के स्टूडेंट हैं लगातार IRI से वो पढ़ के निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, NDRI से पास आउट हो रहे हैं, BHU से पास आउट हो रहे हैं, तो वहाँ से मास्टर कंप्लीट करने के बाद वो प्रोजेक्ट को ढूंढ रहे हैं। अभी कभी स्टूडेंटों ने मुझसे कंसर्न किया, तो मेरा जो रियलिटी है, देखिए आपका अगर एम है या आपने अपना टारगेट बना रखा है, एक आपका क्या होता है, एक पैसन होता है कि मुझे पीजी करना है या मुझे पीएचडी करना है, तो ठीक है। फिर अगर आप ये जॉब की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के पीजी या पीएचडी कर रहे हैं तो बहुत मिनिमम चांस है, ऐसा नहीं कि हर जगह एक्सेप्शन होता है कि मान लीजिए वैकेंसी आ गई, जैसे लास्ट ईयर STA की आ गई तो उसमें पीजी मांगा था, तो ये सब क्या है, ऐसी वैकेंसी जो परमानेंट वैकेंसी नहीं है आपको कि ईयर वाइज मिलेंगी या हमेशा आने वाली है, कभी कभी आ जाती है, वो चीज़ें अलग हैं, बट जो रियलिटी एक बीएड की, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होता है बीएड को काफ़ी ही वो नेग्लेक्ट करता है और सोचता है मैं तो पीजी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया हूँ या एमएससी कंप्लीट किया तो बीएड की तरफ क्यों जाऊँगा। तो रियलिटी ये है, अगर आप एक दिन एनालिसिस करेंगे, एक बार आप अपनी एक कॉपी लीजिएगा, एक पेज लीजिएगा, उस पर एक तरफ बीएड लिखिएगा, एक तरफ एमएससी वर्सेस पीएचडी लिखिएगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाएगी कि हमको बीएड से कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मास्टर या पीएचडी के बाद अपॉर्चुनिटी। मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, अगर आप पीजी कर रहे हैं तो आपको एक मास्टर की डिग्री मिल रही है, प्लस आप मान लीजिए प्लांट प्रोटेक्शन में कर रहे हैं, चाहे इंटमो या पैथो में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्राइवेट कंपनियों में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद एसटी एक वैकेंसी एक आ गई तो उसमें मांगता है, और एसएमएस में तो एमएससी करके आपको डायरेक्ट रिक्रूट होना ही नहीं, क्योंकि अगर पीएचडी का बंदा है तो 30 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल गया, आप वैसे भी आउट हो। ये हो गया, आप नोट करिएगा इसको। प्लस अगर आपने पीएचडी कर लिया तो आप एसएमएस के लिए एलिजिबल हैं, प्रोफेसर 2 वैकेंसी आपको मिलेगी पीएचडी करने के बाद, एक प्राइवेट कॉलेज में जो लोगों का, मैं प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। ये हो गया, तो ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज आपके लिए परमानेंट नहीं है, एक एज ऐसी आएगी ना, आपको एक लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कोई भी प्राइवेट जॉब होगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर भी कंपनियाँ कुछ तो ठीक हैं क्योंकि वहाँ आपको एग्रीमेंट लग रहते हैं ईयर वाइज, लेकिन कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में बहुत स्थिति बेकार है, क्योंकि हर साल स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, आप उनके लिए पुराने होंगे, आप अपनी सैलरी इनक्रीज मतलब एग्रीमेंट जो भी करेंगे आप सैलरी बढ़ाने के लिए उनको प्रेशर बनाएंगे, तो नए को रिक्रूट करेंगे ना, उनको उसी सैलरी में मिलेगा, या उन्होंने अप्रूवल करा रखा, 5,000 पे अप्रूवल करा रखा है, एमएससी स्टूडेंट को ले जाकर पढ़वा रहे हैं, तो क्यों आपको ज़्यादा सैलरी देंगे वो, उनको तो क्वालिटी एजुकेशन से मतलब है नहीं, उनको एक क्वांटिटी, उनके पास स्टूडेंट है, एक ऐसा टीचर चाहिए जो मिनिमम से मिनिमम सैलरी में उनको पढ़ा सके, एक लेबर की तरह। ये हो गया, अब बीएड अगर आपने कंप्लीट किया, देखिए मेरा पर्सनल भी हुआ ये, तो आप प्राइमरी, हो सकता है अभी प्राइमरी से वैसे बाहर नहीं हुआ है, जूनियर TGT PGT में भी अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी बीएड ले रहा है वो, तो ये हो गया आपको मिल गया, प्लस UPPCS से BEO खंड शिक्षा अधिकारी की आपको वैकेंसी हो गई, प्लस LT आपकी हो गई, प्लस नवोदय हो गया, KBS हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, अभी देखिए KBS में वैकेंसी आई, तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, प्लस आप DIOS UPPCS से वो भी वैकेंसी आती है जो स्पेशल होती है वैकेंसी, उसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं,
मैं ये कह रहा हूँ, आपने मास्टर बीएससी किया, पीजी किया प्लस बीएड कर लिया, तो भी तो आप किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। या आपने बीएड करने के बाद एमएड कर लिया 2 साल का, वो भी है, तो आप 30,000 वो भी आप एलिजिबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए, उसमें भी आप नेट जेआरएफ कर सकते हैं, पीएचडी उसमें भी कर सकते हैं आगे चल के। तो ये चीज़ें हैं, मेरा पर्सनल भी वो आप एक बार डिस्कस जरूर करिएगा कि आप एक पेज पर लिखिएगा बीएड प्लस एमएससी प्लस बीएडडी दोनों की स्कोप क्या है, और एमएससी पीएचडी की जो भी वैकेंसियाँ हैं आपको पता है कैसी वैकेंसी फिल होती है। इस समय हर चीज़ें बहुत ईजी हो गई, चाहे आप इसे पेपर को देख लें, चाहे आर्टिकल देख लें, चाहे सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, बुक चैप्टर निकालना, बुक निकालना बहुत ईजी हो गया। 10-10 दिन में बुकें, 15-15 दिन में बुकें लोग तैयार करके पब्लिश करवा रहे हैं। आप अगर बुक नहीं बना पा रहे हैं तो भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको कंटेंट दे के आप बुक पब्लिश कर डालिए। तो ये चीज़ें हैं, ये सोचिए अगर हम इससे आपको नौकरी मिल जाए तो कहीं कुछ ना नौकरी नहीं मिलने वाली। ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास कनेक्टेड हैं प्रेजेंट टाइम पे। यूपी के स्टूडेंट तो कम ही कनेक्टेड हैं, अदर स्टेट के जो भी हैं, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ के स्टूडेंट चाहे वो पीजी के हों या पीएचडी के हों ना कनेक्टेड, और जिनको मैं गाइड भी नहीं किया हूँ। हो सकता मुझसे ज़्यादा भी उनकी एज हो लेकिन मैं गाइड किया हूँ उनको। अभी चाहे हायर एजुकेशन में सिलेक्शन हुआ है उसमें भी मतलब मेरे काफ़ी सीनियर थे, मैं जूनियर ही था उनका, लेकिन कंसर्न हमेशा मुझसे करते। तो ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको बस एज ए अपना, चाहे मेरा जूनियर समझ लीजिए या जो भी मुझसे छोटे हैं आप छोटा भाई समझ लीजिए, इसलिए मैं अपना पर्सनल भी बता रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज खुद पे मत लीजिएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक आपको जॉब मिलने वाली नहीं। और ये भी जो कहते हैं ना कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, 1-2 साल निकल जाएगा जॉब नहीं लगेगी, तो ऐसे भी तो निकल रहा है, 2 साल एमएससी, 3 साल पीएचडी, उसके बाद भी तो कुछ सिक्योरिटी नहीं है। मान लीजिए आपने तैयारी किया, एक एग्जाम में नहीं हुआ तो दूसरे एग्जाम में जरूर होगा। मैं ये मानता हूँ आप 1 साल अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एग्जाम के लिए आपकी बेसिक तैयारी हो जाती है, चाहे आप सिविल सर्विस उठा ले, चाहे बैंकिंग उठा ले, चाहे FCI उठा ले आप, चाहे स्टेट एग्जाम की उठा ले, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये मेरा कहने मतलब लास्ट स्टेज मतलब कंक्लूजन आया कि अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो इन कंपेरिजन एमएससी और पीएचडी बीएड में ज़्यादा कंपेरिजन है, क्योंकि वहाँ भी कंपटीशन भी आपका काफ़ी लो लड़कों से, और यहाँ कंपटीशन एक से बढ़ के एक लड़के आने वाले हैं, वो सोर्स वाले भी आएंगे, पढ़ने वाले भी आएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी से आएंगे। वहाँ क्या है कि आपको जो बीए वाले लड़के हैं या गाँव ज़्यादा बीए किए हैं, उन्होंने बीएड भी कर लिया है, एक बल्क में वैकेंसी आती है, चुनाव वाली वैकेंसी 60,000 आ गई, 70,000 आ गई, ईयर वाइज तो नहीं आती लेकिन जब आती है तो मोस्टली जो थोड़ा सा ठीक ठाक होते हैं उनका सबका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप इसको जरूर सोचिएगा एक बार, क्योंकि मैं स्पेशली हमारे जूनियर 4th ईयर में भी स्टूडेंट हैं या 3rd ईयर में हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अपना ये व्यू दे रहा हूँ। आपको भी अगर कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर राइट डाउन करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ, जरूर एक बार सोचिएगा आप कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।